आपने साइनाइड के बारे में तो सुना होगा, जिसे हम और आप दुनिया का सबसे खतरनाक जहर मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि साइनाइड को मुंह में रखने से ही इंसान की मौत हो जाती है। आज तक कोई भी साइनाइड का स्वाद नहीं बता पाया है, लेकिन यह सच नहीं है। साइनाइड भी इंसान को मारने में कभी कभी कई मिनटों या कभी कभी कुछ घंटों का समय लेता है। इसी तरह पोलोनियम 210 एक ऐसा जहर है जिसकी अगर 1 ग्राम के 50वें हिस्से जितनी मात्रा ही किसी के शरीर में चली जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। पोलोनियम इतना खतरनाक है कि यह खाने के साथ शरीर में जा सकता है, धुएं के साथ सांसों में जा सकता है, त्वचा को छूकर त्वचा के माध्यम से शरीर में जा सकता है, और अगर ये किसी के पास भी रखा है तो इससे निकलने वाले रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स उस इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इतिहास में पोलोनियम को कई हत्या करने के लिए उपयोग किया गया है, खासकर राजनीतिक हत्याएं। इसमें फिलिस्तीन के लीडर यासिर अराफात से लेकर रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर एलेक्जेंडर लिटवेंको भी शामिल हैं। यहाँ तक कि फेमस केमिस्ट मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने पोलोनियम की खोज की थी, उनकी डॉटर जिसका नाम आयरिन जूलियट क्यूरी था, उसकी डेथ भी इसी पोलोनियम जहर से ही हुई थी। अब देखते हैं कि पोलोनियम क्या है। तो आज से लगभग 125 साल पहले मैडम मैरी क्यूरी ने पोलोनियम नाम के इस रेडियोएक्टिव मटेरियल की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की भी खोज की थी। इन्होंने प्योर रेडियम को आइसोलेट किया था और इसके बदले नोबल पुरस्कार भी पाया था। जब पोलोनियम को डिस्कवर किया गया था तब स्टार्टिंग में इसे रेडियम एफ नाम दिया गया, लेकिन बाद में मैडम मैरी क्यूरी के सम्मान में इसे पोलोनियम नाम दिया गया, क्योंकि मैडम मैरी क्यूरी पोलैंड देश की मूल निवासी थी। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है। इसका एटॉमिक नंबर 84 है और इसमें से रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हमेशा ही निकलते रहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। मानव के शरीर में पोलोनियम बहुत कम मात्रा में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन सिगरेट पीने वाले लोगों के शरीर में इसकी कुछ अधिक मात्रा पाई जाती है। इंसानों के लिए ये दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन्स में से एक है। यदि एक बार ये किसी के शरीर में चला जाए तो कुछ ही दिनों में वो इंसान खत्म हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस इंसान को किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। पोलोनियम इतना खतरनाक है कि केवल 1 ग्राम 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है और अगले 5 करोड़ लोगों को बुरी तरह बीमार कर सकता है। अब क्योंकि यह एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इसीलिए यह कई तरह के कैंसर भी पैदा करता है। जैसे ही यह बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही इससे निकलने वाले रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उल्टी होना, बाल झड़ना, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम होना, डायरिया होना, बोन मैरो का डैमेज होना और डेथ, ये सभी इसके लक्षण हैं। लेकिन इसे सबसे खतरनाक ये चीज़ बनाती है कि इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है और ज़्यादातर मामलों में इंसानों को बचाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी पोलोनियम के बारे में वो जानकारी जो हम सभी के लिए ज़रूरी थी। ये वीडियो हमारी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज का एक और वीडियो था। इस सीरीज में हम दुनिया भर में और खासकर आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले पॉइजन्स की जानकारी लेते हैं। इस सीरीज के सभी वीडियोस को या तो आप चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।